नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी और बेहद शानदार खबर के साथ, जहां टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम सुहास एलवाई ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में शनिवार को भारत के लिए बैडमिंटन से बेहद अच्छी खबर सामने आई है। नोएडा के डीएम सुहास एल यथिराज ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बना ली है। सुहास के फाइनल में पहुंचने के साथ ही बैडमिंटन में भारत के लिए एक और मेडल पक्का हो गया है। सुहास ने अपना बेहतरीन फॉर्म जारी रखते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में आसान जीत हासिल कर ली है। सुहास एलवाई ने मेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को 31 मिनट तक चले मुकाबले में सीधे सेटों में 2-0 से हराया है। सुहास एलवाई ने पहला सेट 21-9 से अपने नाम किया था। दूसरे सेट में सेतियावान ने कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन सुहास दूसरा सेट भी 21-15 से जीतने में कामयाब रहे हैं। सुहास ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में बेहद ही शानदार फॉर्म दिखाया है। अपने ग्रुप में सुहास 3 में से 2 मुकाबले जीतने में कामयाब रहे थे। 2 जीत की वजह से ही सुहास को सेमीफाइनल में एंट्री मिली थी। अब वर्ल्ड नंबर 3 सुहास फाइनल में हार भी जाते हैं तो उनके हिस्से में सिल्वर मेडल आएगा। सुहास के फाइनल में पहुंचने के साथ ही टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत को सिल्वर मेडल मिलना तय हो गया है। इससे पहले आपको बता दें, प्रमोद भगत ने भी बैडमिंटन के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। प्रमोद भगत को भी अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीतने में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। साल 2020 में जब यूपी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर नोएडा कोरोना की मार से बुरी तरह टूट रहा था, लोग महामारी से दम तोड़ रहे थे। अस्पतालों और सरकारी व्यवस्थाएं इस महामारी के सामने घुटने टेक रही थी, तो उम्मीद की किरण बनकर एक युवा आईएएस अधिकारी ने कमान संभाली। 38 साल के इस युवा जिलाधिकारी ने कुर्सी पर बैठते ही अपनी जिम्मेदारियों को इस कदर निभाया कि केंद्र सरकार ने भी कोरोना मैनेजमेंट के लिए उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। देश के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी में गिने जाने वाले सुहास एलवाई का सफर आसान नहीं था। दाहिने पैर से विकलांग सुहास ने कभी अपनी इस कमजोरी का रोना नहीं रोया, बल्कि इस कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली। पैर खराब होने के बावजूद जब सुहास बैडमिंटन कोर्ट में उतरते हैं तो बड़े बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं। कर्नाटक के छोटे से शहर शिगोमा में जन्मे सुहास एलवाई ने अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखा। जन्म से ही पैर से विकलांग सुहास शुरुआत में आईएएस नहीं बनना चाहते थे। बचपन से ही उन्हें खेलों को लेकर बेहद दिलचस्पी थी, जिसमें उन्हें उनके पिता और परिवार का पूरा सहयोग भी मिला। वो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं थे, जिसके चलते उन्हें समाज के तारे भी सुनने को मिलते रहे, लेकिन पिता और परिवार चट्टान की तरह उन तानों के सामने खड़े रहे और कभी भी सुहास का हौसला नहीं टूटने दिया। सुहास के पिता उन्हें सामान्य बच्चों की तरह देखते थे। आपको बता दें कि सुहास को क्रिकेट से भी बेहद लगाव है और ये क्रिकेट प्रेम उनके पिता की देन है। परिवार ने उन्हें कभी नहीं रोका, जो मर्जी हुई सुहास ने उस खेल को खेला और उनके पिता ने भी उन्हें हमेशा जीत की उम्मीद की। सुहास के पिता की नौकरी ट्रांसफर वाली थी, जिसके चलते सुहास की पढ़ाई शहर शहर घूमकर होती रही। शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई तो वहीं शहर में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पूरी की। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद ज्यादातर लोगों की तरह सुहास ने भी बेंगलोर की कंपनी में नौकरी कर ली, पर मन ही मन उन्हें कमी खल रही थी। एक बार मीडिया से बातचीत में सुहास ने कहा था कि अंदर से एक आवाज आ रही थी कि कहीं कुछ तो कमी है। उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन पूरा नहीं है। रुक रुक कर बार बार उनके दिल में कसक उठ रहा था कि अगर इस जीवन में समाज के लिए कुछ नहीं किया तो क्या किया। जिसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला कर लिया, तब जाकर ये कमी खत्म हुई। उसके बाद आया साल 2005, जब सुहास ने अपने को खोया। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुहास पूरी तरह टूट गए। सुहास ने बताया कि उनके जीवन में पिता का एक महत्वपूर्ण स्थान था, पिता की कमी खलती रही। उनका जाना सुहास के लिए बड़ा झटका था। इसी कसमकश के बीच सुहास ने ठान लिया कि अब सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है।
फिर क्या था, सब छोड़कर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। उनकी मेहनत और तकदीर ने उनका साथ दिया और साल 2007 में वो यूपी के कैडर से आईएएस अफसर बने। सुहास का कहना है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, बाकी मुकद्दर पर छोड़ देना चाहिए। अगर आप किसी चीज को दिल से चाहेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे तो फिर पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करेगी। ऐसा ही हुआ। पहले पीटी, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू में सफलता हासिल कर सुहास साल 2007 में यूपी कैडर से आईएएस अधिकारी बन गए। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद उनकी पोस्टिंग आगरा में हुई। फिर वे जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, हाथरस, महाराजगंज, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बने। सुहास सरकारी पदाधिकारी बन चुके थे, उन्हें तेज तर्रार अधिकारी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वो इतने पर ही रुकने वालों में से कहां थे। जिस खेल को वो पहले शौक के तौर पर खेलते, अब धीरे धीरे उनके लिए जरूरत बन गया था। सुहास अपने दफ्तर की थकान को मिटाने के लिए बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन जब कुछ प्रतियोगिताओं में मेडल आने लगे तो फिर उन्होंने इसे प्रोफेशनली तरीके से खेलना शुरू कर दिया और 2016 में उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेलना शुरू कर दिया। चाइना में खेले गए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुहास अपना पहला मैच हार गए थे, पर सुहास हार मानने वालों में से कहां थे। अपनी इस हार के साथ उन्हें जीत का फॉर्मूला भी मिल गया था। सुहास ने मीडिया से हुई अपनी बातचीत के दौरान बताया कि गेम के दौरान पूरा खेल मेंटल प्रेशर का होता है, जो इसे पार कर लेता है वो मैच जीत जाता है। सुहास एलवाई मेहनत के साथ साथ तकदीर को भी बहुत मानते हैं। इसके साथ ही उनका भगवान में भी काफी विश्वास है। सुहास जब भी टूर्नामेंट में मैच खेलने जाते हैं तो मैदान में उतरने से पहले भगवान हनुमान की मूर्ति को अपने साथ जेब में रखते हैं। उनका कहना है कि भगवान की मूर्ति पास होने से उन्हें ताकत और आत्मविश्वास मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो ये थी डीएम सुहास एलवाई की जिंदगी की गाथा और ये उनका दृढ़ निश्चय ही है जो वह विदेश में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है वह फाइनल में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड अपने नाम दर्ज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग में भारतीय पैराशूटर्स ने गजब का प्रदर्शन कर सभी को चकित कर दिया है। मनीष नरवाल ने गोल्ड पर कब्जा किया है जबकि सिंहराज ने सिल्वर जीता है। P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में मनीष नरवाल ने 218.2 का स्कोर हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है, जबकि सिंहराज 216.7 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बता दें तीसरे नंबर पर रूसी ओलंपिक समिति के सरगेई मलिशेव हैं जिनका स्कोर 196.8 है। इसके साथ ही भारत के पाले में आए पदकों की संख्या अब 15 हो गई है। आपको बता दें स्वर्ण जीतने वाले मनीष नरवाल और सिल्वर जीतने वाले सिंहराज दोनों ही पैराशूटर्स फरीदाबाद के रहने वाले हैं। आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक्स में जीता गया देश का ये तीसरा स्वर्ण पदक है जो 19 वर्षीय मनीष नरवाल ने अपने नाम किया है। इससे पहले अवनी लखेरा ने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 और सुमित अंतिल ने मेंस जेवलिन थ्रो F64 ने स्वर्ण पदक दिलाया था। सिंहराज की बात करें तो पैरा ओलंपिक्स में 40 साल के सिंहराज ने दूसरा स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक मिला था। अवनी लखेरा के पास भी दो पदक हैं, उन्होंने गोल्ड के अलावा ब्रॉन्ज भी जीता है। मौजूदा पैरालंपिक्स में भारत ने अब तक 15 पदक जीते हैं। भारत के खाते में अब 3 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक हैं। यह पैरालंपिक्स के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। रियो पैरालंपिक्स 2016 में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनीष और सिंहराज को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में गौरवपूर्ण प्रदर्शन जारी है। युवा और बेहद प्रतिभावान मनीष नरवाल की शानदार उपलब्धि, उनका स्वर्ण पदक जीतना भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। उन्हें बधाई, आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। और सिंहराज को बधाई देते हुए उन्होंने लिखा, उत्कृष्ट सिंहराज अडाना का फिर कमाल। उन्होंने इस बार मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में पदक जीता। उनके इस कारनामे से भारत खुश है, उन्हें बधाई। भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं औरैया में आबकारी विभाग अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बता दें आबकारी विभाग लगातार अवैध शराब की भट्टियों पर छापेमारी कर रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के अड्डे पर छापेमारी
कर मौके से 35 लीटर अवैध शराब व 300 किलोग्राम लहन भी बरामद किया है। मामले में बरामद लहन को नष्ट कर दिया गया है और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह कार्यवाही आबकारी निरीक्षक पदम प्रकाश व विनोद कुमार की संयुक्त टीम ने की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पछैया बस्ती में ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो एक्शन मोड में नजर आ रही है औरैया पुलिस, जहां पर छापेमार कार्रवाई कर आबकारी विभाग ने, आपको बता दें ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर छापेमारी की तस्वीरें हैं, आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 35 लीटर अवैध शराब बरामद की है और इस अवैध शराब को नष्ट कर दिया है। तो ये औरैया से सीधी तस्वीरें जहां पर आबकारी विभाग के साथ पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और यहां पर अवैध शराब को जब्त कर उसको नष्ट किया गया है। तो 35 लीटर अवैध शराब बरामद की गई थी औरैया का ये पूरा मामला, जहां पर अवैध शराब का जो धंधा चल रहा था उसको लेकर पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और पुलिस ने मौके पर पहुंच वहां छापेमारी कर अवैध शराब को नष्ट कर दिया है, जिसकी कुल संख्या 35 लीटर बताई जा रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर गांव से लेकर शहर तक के लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें नौसड़ चौकी के पास गोरखपुर लखनऊ और गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर सन 1998 में दो जगह पानी ओवरफ्लो होकर रोड पर बहने लगा था, जिससे धीरे धीरे इस जगह पर लगभग 100 फीट गहरा गड्ढा हो गया था, जिससे आम जनमानस को काफी नुकसान हुआ था। पर इस बार जिला प्रशासन नौसड़ बंधे को लेकर काफी सक्रिय है। यहां कई स्थानों पर मिट्टी डालने, मिट्टी भरी बोरियों को एडवांस में भरकर रखने का काम किया गया है, साथ ही आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त मिट्टी का इंतजाम भी कर लिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा रात में बंधे की सुरक्षा के लिए नौसड़ चौकी से महिंद्रा एजेंसी तक बंधे पर लाइट की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में जहां बाढ़ की वजह से पानी है, तो वहीं शहर के अंदर बरसात का पानी जमा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। तो ये तस्वीरें गोरखपुर से हैं जहां पर रात में बंधे की सुरक्षा के लिए लाइट लगाई गई है। यहां पर आपको बता दें कि सन 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि आम जनमानस पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी भर जाने के कारण जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब गोरखपुर से ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और बंदे को लेकर तमाम जो चीजें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो शुरू कर दी गई हैं। श्रावस्ती में बौद्ध परिपथ पर उस वक्त एक भीषण सड़क हादसा घटा जब एक टेम्पो ईंट लदी खड़ी ट्रॉली से जा टकराया। वहीं टक्कर के बाद टेम्पो सड़क पर जा पलटा और बलरामपुर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में टेम्पो में सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को CHC इकोना में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक टेम्पो सवार सभी लोग बलरामपुर के उतरौला के निवासी हैं, जो कि हादसे के वक्त बहराइच दरगाह से वापस घर लौट रहे थे। श्रावस्ती मॉडर्न थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास की ये पूरी घटना है। तो ये घटना की तस्वीरें, खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टेम्पो जा टकराया, जिसके चलते टेम्पो में जो लोग सवार थे उनकी मौत हो गई। 5 लोगों की कुल मौत हुई है और बताया जा रहा है कि 3 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। श्रावस्ती की तस्वीरें हैं एक्सीडेंट का पूरा मामला, जहां पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से ये टेम्पो टकरा गया। टेम्पो टकराने के बाद उसमें कुल लोग जो सवार थे उसमें से 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है श्रावस्ती के मॉडर्न थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास का है, जहां पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टेम्पो टकरा गया और जिसके चलते 5 लोगों की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये उतरौला का एक परिवार है जो ये दरगाह शरीफ गए थे बहराइच में, वहाँ से आ रहे थे टेम्पो से और बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, 3 लोग ड्राइवर से जिनका उपचार कराया जा रहा है। सर कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? ये इसमें 2 महिलाएं घायल हैं, 1 ड्राइवर घायल है और जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक सोनी, ये जो पूरी घटना का जो पूरा मामला है, इसमें अभी फिलहाल क्या अपडेट है?
देखिए मैं बिल्कुल बता दूं कि आप ये पूरा मामला श्रावस्ती जिले के माडल थाने के पास का है, नारायणपुर के पास का है, जहां पर बहराइच जिले के दरगाह से लौट रही टेम्पो अचानक खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में टकरा गई। टकरा जाने के से टेम्पो में सवार सभी लोग सड़क पर गिर गए। दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक के द्वारा 5 लोगों को कुचलते हुए फरार हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके स्थल पर ही मौत हो गई। 3 लोगों को सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा सीएससी में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल में रिफर किया गया है। ठीक है अभिषेक, ये पूरा मामला जो है इसके बाद अभी प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की मुआवजे की कोई बात कही गई है? देखिए मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा खुद लिया गया है और शोक भी जताया गया है। अभी तक मुख्यमंत्री के द्वारा किसी प्रकार की कोई राहत की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। जो 3 लोग बचे हैं उनको बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो जिला अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती है व्यक्ति, उसको भी जिला प्रशासन और डॉक्टरों के द्वारा हर तरह से संभव प्रयास किया जा रहा है कि उसको बचाया जाए। ठीक है अभिषेक, ये खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली का मामला है जिसमें टेम्पो जाकर टकरा गया, तो ये बताइएगा वास्तविक रूप से समस्या क्या थी? उजाले की कमी थी, लाइट की कमी थी वहां पर जिस वजह से ये टकरा गया जाकर, या फिर और कोई बात थी? देखिए मैं आपको बता दूं कि नारायणपुर के पास जो ट्रैक्टर ट्रॉली ईंट से भरी खराब वहां पे खड़ी हुई थी, जिसमें टेम्पो क्योंकि टेम्पो वहां जाकर टकरा गई। टकराने के बाद में टेम्पो पलट गई, जिसमें सवार थे जो लोग वो सड़क पे गिर गए। बलरामपुर की तरफ से जो ट्रक आ रही थी वो काफी रफ्तार में थी और 5 लोगों को कुचलते हुए वो फरार हो गई, और जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग जो उसमें सवार थे वो ट्रॉली से टकराने से जिनको चोटें आई हैं उनमें से एक की हालत गंभीर है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पे उनकी इलाज जारी है। ठीक है अभिषेक, मैं सुन पा रहा हूँ कि 3 लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, ऐसे में स्थिति क्या है? अभी 3 जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है? जी 3 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है अभी? अभिषेक देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 लोगों को सीएससी इकौना में भर्ती कराया गया है जहां पे उनकी हालत सामान्य है, लेकिन 1 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको सीएससी इकौना से जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया है जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, डॉक्टरों के द्वारा लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किस तरीके से खराब ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी और उसमें जाकर टेम्पो टकरा गया, जिस वजह से पूरा हादसा हुआ और इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग घायल हुए हैं जिसमें एक की स्थिति, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हापुड़ से इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक सिपाही किसी से 2 बियर मांगते दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो गढ़ कोतवाली क्षेत्र के ब्रजघाट चौकी का है, जहां तैनात एक सिपाही गंगा घाट से पकड़कर लाए गए नाविक से छोड़ने के एवज में 2 बियर की मांग करता नजर आ रहा है। वहीं बियर मांगने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि फिलहाल जो है मामले में किसी कार्यवाही की जानकारी नहीं पाई गई है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जहां पर सिपाही बियर मांगते हुए नजर आ रहा है। तो एक नाविक को पकड़ा था इस सिपाही ने, जिसके बाद उससे छोड़ने के एवज में सिपाही बियर मांगते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। तो ऐसी तस्वीरें कई दफा भी आती रही हैं सामने। तो ये पोल खोल तस्वीर है, पुलिस विभाग की पोल खोलती है। और इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस विभाग में भी, हापुड़ पुलिस विभाग में भी इस वक्त हड़कंप का माहौल है। ये सिपाही देखिए किस तरीके से, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किस तरीके से नाविक को पकड़ता है, उसके तरीके उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करता है और उसके बाद उसको छोड़ने की एवज में बियर की डिमांड करता है। ये सिपाही साहब आपकी तस्वीरों में, ये पहले नाविक को पकड़ते हैं, बदसलूकी करते हैं, आम आदमी के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं और इसके बाद उसको छोड़ने के एवज में ये सिपाही जी बियर की मांग करते हैं। वीडियो बन गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया है इसकी अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल सकी है।
उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने डेंगू और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यूपी के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को डेंगू और कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम को लेकर निर्देशित किया है, जिसके बाद यूपी के पीलीभीत जिले में आज जिलाधिकारी पुलकित खरे ने डेंगू और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गांधी सभागार में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिले के स्वास्थ्य विभाग से लेकर नगर पालिका ईओ समेत तमाम अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही जिलाधिकारी पुलकित खरे ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, कहीं भी जलभराव की स्थिति पैदा होने ना पाए, जिससे डेंगू या कोरोना की तीसरी लहर से निपटा जा सके। हालांकि जिले में डेंगू और कोरोना की तीसरी लहर से संबंधित कोई मरीज होने की पुष्टि नहीं हुई है और आगे भी इसका ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए जिले की कई टीमें गठित की गई हैं जो घर घर जाकर इसका विशेष ध्यान रखेंगी। डेंगू नियंत्रण को लेकर और टीकाकरण में जो अभी गैप रह गया है, कुछ लोग जो टीकाकरण से हिचकिचा रहे हैं उनको प्रेरित करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन एक चलाया जाना है। इसको लेकर अभी सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ और ब्लॉक के अधिकारियों के साथ बैठक करी गई। उनको बताया गया किस तरह से कल से है एक विशेष अभियान अगले कुछ दिनों के लिए चलाया जाएगा, जिसमें न केवल हर वार्ड हर गाँव में साफ़ सफाई के लिए नोडल ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं, वो लोग गाँव-गाँव जाके और वार्डों में जाके साफ सफाई देखेंगे, बल्कि घर घर जाके अगर किसी को भी किसी तरह का बुखार का लक्षण है तो उसकी टेस्टिंग होनी है। इसी तरह हर स्वास्थ्य केंद्र पर फीवर हेल्प डेस्क बनाई जा रही है कि वहाँ पे भी लोग अपनी टेस्टिंग और अपनी जांच करा सकें हैं। प्रयास यही करा जा रहा है कि नीचे के स्तर तक आशा आंगनवाड़ी ANM हमारे सफाई कर्मियों के माध्यम से गाँव में शहरों में स्वच्छता लाते हुए इस तरह के किसी भी प्रकोप को रोका जा सके। वहीं आगरा के थाना खेरागढ़ के नगला दूल्हे खां गांव के पास उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जिस वक्त एक डंपर को बचाने के चलते एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हो गई हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी सवारियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला है और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस हादसे में 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डंपर को बचाने के चलते ये बस पलट गई थी, जिसके बाद 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सवारियों को रेस्क्यू का काम किया गया है और सभी घायलों को निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला आगरा के थाना खेरागढ़ के नगला दूल्हे खां गांव के पास का है, जहां पर डंपर को बचाने के चलते ये बस खाई में जा गिरी थी, जिसके चलते 2 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हुई हैं, इनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन सभी सवारियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा चुका है और सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं नोएडा में देर रात नोएडा थाना फेज 3 पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। वहीं घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। मामले में अंकुर अग्रवाल एडिशनल DCP सेंट्रल गौतम बुद्ध नगर ने बताया है कि थाना फेज 3 पुलिस गढ़ी चौखंडी के पास देर रात चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस ने जब मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल सवार बदमाश मोटरसाइकिल पुस्ता की ओर भगाने लगे। वहीं पुलिस ने जब बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने एक बदमाश को घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बदमाश फरार हो गया है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। वहीं घायल बदमाश की पहचान अनीस निवासी विजयनगर गाजियाबाद के रूप में हुई है, जो एक शातिर बाइक लुटेरा और वाहन चोर बताया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर के कई थानों में पहले भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और ये पहले भी जेल जा चुका है। तो ये मुठभेड़ की तस्वीरें जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ के बाद आपको बता दें कि बदमाश को गोली लगी है, वहीं एक अन्य बदमाश भागने में सफल रहा है। देश में बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42,618 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 330 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 36,385 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,21,00,000 हो गई है।
वहीं अब एक्टिव केस की बात करें तो 405,681 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 3,29,45,907 के सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,40,225 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल की बात करें तो 24 घंटों में कोरोना वायरस के 29,322 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 22,938 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं और 131 मौतें भी हुई हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 2,46,437 हो गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।